असलम स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज की क्लास में हमने एफ़ एस सी पार्ट टू सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर वन स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर वन है फंक्शन एंड लिमिट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फंक्शन का कंसेप्ट समझ लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन करने में कोई इशू ना हो तो हम देखते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है फंक्शन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन हमारे पास एक रिलेशनशिप होती है इनपुट एंड आउटपुट के बिटवीन मीन के हमारे पास कोई एक फंक्शन गिवन होता है उसमें हम इनपुट को पुट करते हैं एंड देन जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है उसे हम कहते हैं आउटपुट तो फंक्शन एक रिलेशनशिप है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट जितने भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे ये सारे हमारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है अगर हमें कंसेप्ट होगा फंक्शन का देन ही हम उसे सॉल्व कर सकेंगे तो ये आपने गौर से समझ लेना है कि आपको आगे भी बहुत काम आएगा बीएससी में भी इसका कन्सेप्ट बहुत यूज़ होता है तो आगे भी आपको बहुत आसानी होगी अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स ए पार्ट में हमारे पास फंक्शन गिवन है फंक्शन उन्होंने हमें दे दिया है एंड देन हमने फाइंड करना है एफ ऑफ माइनस टू एफ ऑफ जीरो माइनस वन एफ ऑफ एक्स स्क्र प्लस फोर यहाँ पर हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स फंक्शन हमारे पास गिवन है आगे हमें फोर पार्ट इसके दिए हुए फर्स्ट पार्ट है इसका एफ ऑफ माइनस टू इनपुट भी उन्होंने हमें दे दी है इनपुट को हम फंक्शन में पुट करेंगे और हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसकी आउटपुट होगी अब आपने सिंपली ये करना है कि जहाँ जहाँ पे आपके पास एक्स है फंक्शन पे वहाँ पे आपने रिप्लेस कर देना है एक्स को माइनस टू के साथ सो so हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं एफ ऑफ माइनस टू एक्स को आपने रिप्लेस कर देना है माइनस टू से एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू स्क्र माइनस इन टू माइनस टू 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 ज फोर माइनस माइनस प्लस प्लस टू फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स ये आपके पास आ गया आंसर ये हमारे पास इसकी आ गई आउटपुट अब ये देखें आप ये हमारे पास फंक्शन था ये हमारे पास इनपुट थी इनपुट को हमने फंक्शन में पुट किया उसे सॉल्व किया तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया वो आउटपुट है किस तरह से आपने इसके चारों पार्ट्स को सॉल्व करना है अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास एफ़ ऑफ ज़ीरो उन्होंने इनपुट चेंज कर दिया यहाँ पे पहले हमारे पास इनपुट माइनस टू थी अब इनपुट हमारे पास ज़ीरो है आपने ये करना है जहाँ पे आपके पास एक्स है आपने एक्स को रिप्लेस कर देना है ज़ीरो के साथ एफ़ ऑफ़ ज़ीरो इज़ ईक् टू ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ज़ीरो ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ इक्ल टू ज़ीरो आपके पास आउटपुट आ गई ज़ीरो यही हमारा आंसर है नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स माइनस वन अब हमने इसमें इनपुट रखनी है एक्स माइनस वन जहाँ पे आपके पास एक्स है वहाँ पे आपने एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स माइनस वन के साथ एफ ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल का स्केयर माइनस एक्स माइनस वन यहाँ पे हमारे पास स्केयर था तो होल का स्केयर आ गया माइनस एक्स की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स माइनस वन अब यहाँ पे आपने फार्मूले को ओपन कर देना है a माइनस बी होल का स्क्यर फार्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ a माइनस बी होल का स्क्यर इज इक्वल टू ए स्क्यर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर ये फार्मूला आपने यहाँ यूज़ करना है एक्स स्केयर माइनस टू इंटू एक्स टू वन प्लस वन स्केयर अब इस माइनस को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन एक्स इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन अब जो आपके पास सेम वेरिएबल्स हैं उन्हें आप ऐड कर लें एक्स स्क्र माइनस टू एक्स एंड माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स वन प्लस वन प्लस टू ये आपके पास आ गई आउटपुट और यही हमारा आंसर है नेक्स्ट हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट एफ ऑफ एक्स स्क्र प्लस फोर जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आपने रिप्लेस कर देना है x को एक्स स्क्र प्लस फोर के साथ एफ एक ऑफ एक्स स्क्र प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस फोर होल का स्केयर माइनस एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स की जगह पे एक्स स्केयर प्लस फोर आ गया स्केयर वैसी का वैसे ही माइनस एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्र प्लस फोर आपने इसका स्केयर ओपन करना है फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे ए प्लस बी होल का स्केयर क्वल टू ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर ये आपने फार्मूला यूज करना है यहाँ पे यहाँ पे देखें एक्स स्केयर हमारे पास है ए एंड बी हमारे पास है फोर ये वैल्यूज हमने इस फार्मूले में पुट करनी है ये ए आ गया हमारे पास ए का स्केयर प्लस टू ए हमारे पास एक्स स्केयर है बी हमारे पास फोर है देन प्लस बी हमारे पास फोर का स्केयर बी स्केयर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस एक्स स्केयर माइनस फोर टू टू जा फोर एक्स की पावर फोर इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दें प्लस टू फोर ज़ार एट एट एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस फोर इन दोनों को आप कर लेंगे प्लस माइनस एट माइनस वन प्लस सेवन एक्स स्केर माइनस फोर आउटपुट हमारे पास ये आ गई और यही आपका आंसर है नेक्स्ट इसका बी पार्ट स्टार्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्केयरूट एक्स प्लस फोर इसमें हमारे पास चार इनपुट्स गिवन है वन बाय वन हमने इनपुट को फंक्शन के अंदर पुट करना है और इसकी आउटपुट हमने निकालते जाना है फंक्शन हमारे पास है स्केयरूट एक्स प्लस फोर इसका फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ माइनस टू इसमें भी आपने सेम उसी मेथड से एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस टू के साथ फर्स्ट इनपुट हमारे पास माइनस टू है फुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एफ़ ऑफ़ माइनस टू इज इक्वल टू स्केयर रूट माइनस टू प्लस फोर जहाँ जहाँ पे हमारे पास एक्स है वहाँ पे हम माइनस टू रख देंगे माइनस टू प्लस फोर प्लस टू एफ ऑफ माइनस टू आ गया माइनस टू प्लस फोर प्लस टू और यही हमारा आंसर है सेकेंड पार्ट है इसका एफ ऑफ ज़ीरो अब जहाँ पे हमारे पास एक्स है हमने एक्स को रिप्लेस कर देना है जीरो के साथ एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस फोर जीरो में हम कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारे पास वही वाली वैल्यू आ जाती है फोर फोर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं टू का स्केयर बिकॉज टू टू जा फोर स्केयर स्के रूट से कैंसल आंसर हमारे पास आ गया टू अब इसका थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स माइनस वन आपने एक्स को रिप्लेस करना है एक्स माइनस वन के साथ एफ ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस फोर इन दोनों को प्लस माइनस कर लें एक्स प्लस थ्री माइनस वन प्लस फोर इज़ इक्वल टू थ्री और ये हमारे पास आ गया आंसर नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट एफ एक्स फसर प्लस फोर यहाँ पर हमने एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स स्केयर प्लस फोर के साथ एफ ऑफ एक्स स्यर प्लस फोर यहाँ पर भी आपने रिप्लेस करना है एक्स को एक्स स्केयर प्लस फोर के साथ यहाँ पर आपके पास एक्स है एक्स की जगह पर आपने एक्स की वैल्यू लिख देनी है एक्स स्केयर प्लस फोर प्लस फोर इन दोनों को हम कर लेंगे प्लस एक्स स्क्र प्लस एट और ये हमारे पास इसकी आ गई आउटपुट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट होता है आई होप आपको क्वेश्चन नंबर वन की समझ आ गई होगी अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक like करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज